टेक करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे के रेड करके बटन को सब्सक्राइब जरूर दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जरूर मिलती है। दोस्तों पिछले वीडियो में ओप्पो A7 में सॉफ्टवेयर अपडेट कर वर्जन OIS में करके बताया था। दोस्तों उस वीडियो में कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमें वो पसंद नहीं आ रहा है और हमारे मोबाइल में अच्छे से काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों को बहुत लोगों को पसंद भी आया है, काफ़ी लोग ऐसे जिनको दिक्कत आ रही है, तो उनको लिए मैं बोलने डिलीट करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर तो डिलीट होता नहीं है, पहली बात उसको एक सोल्यूशन मैंने खोज के निकाला है बड़ी मुश्किल से उसको डिलीट करने के लिए। दोस्तों आपको करना क्या है, आपके गैलरी में जितनी फोटोज़ वीडियो हैं और कुछ भी फ़ोन मेमोरी में है उसको आप SD कार्ड में कर लीजिए। SD कार्ड में करने से क्योंकि आपको अपने फ़ोन को बैकअप रीसेट मारना है, जब आप रिस्टोर करेंगे अपने फ़ोन को तो आपकी जितने डेटा है फ़ोन मेमोरी की सब उड़ जाएगी, इसीलिए आप इसको पूरा अपने चिप में कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं हम कि कैसे होगा, तो चलिए चलते अपने मोबाइल के हम स्क्रीन पर पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और हमें करना क्या है, अपनी सेटिंग ऐप ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन कर लेते हैं और आपको चल जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और इस पर टच करना है बैकअप रीसेट पे, और फिर आपको क्या क्या जाना है, रीसेट फैक्ट्री सेटिंग होगा सबसे नीचे में, उस पर टच करना है और फिर उसके फर्स्ट वाले पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट सेटिंग सिस्टम पे, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड या कुछ भी जो डाले होंगे उस पर, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही पासवर्ड डालेंगे आपका फ़ोन रीसेट होना शुरू हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस लगेगा दोस्तों 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी लगे, आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाएगा, आपको पहले जैसा न्यू का फ़ोन हो जाएगा। दोस्तों उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर भी करें।